Hello everybody, I am Shomukant Tigri. Welcome to my channel. So today we will discuss about the renin-angiotensin-aldosterone system. Okay, so renin-angiotensin-aldosterone system or RAS system is a very important system in our body. Okay, so in this video we will discuss this topic in brief. Okay, so let's start. What is happening in this system? देखो ये जो system है ना renin-angiotensin-aldosterone system, ये system में angiotensinogen एंजियोटेंसिनोजन ठीक है, ये एक प्रो हार्मोन होता है. ठीक है, ये एक प्रो हार्मोन होता है. ये आपका मिलेगा कहाँ पे? मिलेगा लिवर पे. ठीक है, इससे आपका एंजियोटेंसिन टू ये अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है. ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन टू ये प्रोड्यूस होता है. और ये जो एंजियोटेंसिन टू ये करता क्या है, ये बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है ये अल्टीमेट ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. ओके, सो द फंक्शन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी. और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर सकता है. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये कैसे ये काम कर सकता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो एंजियोटेंसिनोजन यहाँ पे क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन टू फाइनली ये प्रोड्यूस होता है. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है एक प्रो हार्मोन है. ठीक है, और ये मिलता है हेपाटोसाइट से. हेपाटोसाइट कहाँ पे है? आपका लिवर पे है. ठीक है, नंबर वन. देन देखो ये जो एंजियोटेंसिन है ना, ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ना, ये एंजियोटेंसिनोजन से पहले एंजियोटेंसिन वन होता है. ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन से पहले एंजियोटेंसिन वन होता है. ये क्या होता है, ये एक डिकापेप्टाइड है. मतलब इनमें से अप टू 10 पॉलीपेप्टाइड चेन आर देयर. ओके, और ये जो कन्वर्सन होता है ना एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन वन, ये करता है आपका रेनिन. ये कहाँ से आता है? ये आता है आपका किडनी से. किडनी का जैक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है, उसको हम लोग जे जी सेल भी बोलते हैं, वहां से रेनिन सीक्रेट होता है. और ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन वन का जो कन्वर्सन है वो करता है. ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन वन जो है ना, उसमें से एंजियोटेंसिन टू भी होता है. ये कन्वर्सन के कौन सा एंजाइम करता है? ये कन्वर्सन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोल के एक एंजाइम है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्सन ऑफ एंजियोटेंसिन वन टू एंजियोटेंसिन टू. ये जो एंजियोटेंसिन टू है ये एक ऑक्टापेप्टाइड है. देखो यहाँ पे जो कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है. ठीक है, मतलब ये जो ACE जो एंजाइम है ये कहाँ से सीक्रेट होता है? ये मेनली लंग से सीक्रेट होता है. ठीक है, हमारे जो लंग्स है वहाँ से सीक्रेट होता है. ठीक है, और ये रेनिन किडनी से होता है, आप लोग तो जानते ही है. ठीक है, और ये जो एंजियोटेंसिन टू है, ये एंजियोटेंसिन टू आपका ऑक्टापेप्टाइड है. मतलब आपका 1 to 8 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर देयर. ओके, देखो यहाँ से एंजियोटेंसिन 3 भी होता है, 4 भी होता है, ये इतना फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है इनका एक्शन. ठीक है, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एक करता क्या है, देखो दो रिसेप्टर है ATR1 एंड ATR2, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिन बाइंडिंग रिसेप्टर 1, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 जिसको हम लोग बोलते हैं. एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, AT1 पे भी बाइंड करता है, ATR1 पे भी बाइंड कर सकता है और ATR2 पे भी बाइंड कर सकता है. ठीक है, मेजोरिटी इन मैक्सिमम केसेस दे बाइंड ऑन ATR1. ओके, सो आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, आफ्टर बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन 2 एग्जिबिट्स सम इफेक्ट एंड द इफेक्ट्स अल्टीमेटली प्रोड्यूस योर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड राइज इन ब्लड प्रेशर इन केस ऑफ पेशेंट. ओके, सो दैट इज द पॉइंट, द फंक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2. हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या है एंजियोटेंसिन 2. मतलब जो बाइंड होने के बाद, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 पे बाइंड होने के बाद जो एंजियोटेंसिन 2 का जो इफेक्ट है वो क्या क्या है. देखो फर्स्ट इफेक्ट क्या है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या कर सकता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज कर सकता है. कहाँ से रिलीज कर सकता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स है उनका जोना ग्लोमेरुलोसा है. ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स उनका जोना ग्लोमेरुलोसा, वहां से एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कर सकता है. ठीक है,
कौन कर सकता है? एंजियोटेंसिन 2 कर सकता है। देखो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होने के बाद एनएससीएल का रीएब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एनएससीएल का रीएब्जॉर्प्शन कर सकता है, ठीक है, बॉडी में नेफ्रॉन से एनएससीएल का रीएब्जॉर्प्शन कर सकता है, ठीक है। सेकेंड एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली एनएससीएल का रीएब्जॉर्प्शन कर सकता है, ठीक है। देन थर्ड क्या है, थर्ड देखो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कर सकता है, एंजियोटेंसिन 2 वैसो कंस्ट्रिक्शन कर सकता है, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ होता है हाइपोथैलेमिक, जो थर्स सेंटर है हमारा बॉडी में उस उनको स्टिमुलेट कर सकता है। ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज जो इफेक्ट है ना, माने ऑल दीज जो फंक्शंस है ना, ये अल्टीमेटली लीड टू योर बीपी राइज, ओके, अल्टीमेटली लीड टू योर बीपी राइज। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट आवर टारगेट इज टू ब्लॉक रेस्ट सिस्टम, इनहिबिट रेस्ट सिस्टम, ओके। वो कैसे हो सकता है, देखो ये हो सकता है आपका, आप कर सकते हो ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको आप ब्लॉक कर सकते हो, जिसको हम लोग एसी इनहिबिटर बोलते हैं, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल उनका एग्जाम्पल है। और आप क्या कर सकते हो, देखो एंजियोटेंसिन 2 जो है ना वो बाइंड करता है कहाँ पे, ATR1 पे और ATR2 पे, ठीक है। ये जो ATR1 और ATR2 ये जो रिसेप्टर है, यहाँ पे बाइंडिंग जो होता है एंजियोटेंसिन 2 का, वो आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ATR1 जो स्पेसिफिक ब्लॉकर है, ठीक है, वो क्या है, वालसार्टन है, लोसार्टन है, ठीक है, उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल दीज ड्रग्स, आइदर योर ACU इनहिबिटर और योर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ऑल दीज ड्रग्स एक्चुअली इनहिबिट टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।